भौलपुर देखिए सीमावर्ती जिला है और अपराध की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। तो अभी जैसे पुलिस मुख्यालय की भी प्राथमिकता है कि संगठित अपराध पे नकेल कसना है, तो संगठित अपराध एक मुख्य प्राथमिकता रहेगी, जिसमें अवैध हथियार एक बहुत इम्पोर्टेंट क्राइम है जो कि राजस्थान में काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू है। और मुझे लगता है कि धौलपुर में भी इलीगल फायर आर्म्स एक इम्पोर्टेंट कड़ी है। इसके अलावा जो भी अवैध गतिविधियां हैं जो संगठित तरीके से चलती हैं उस पे भी काबू करना एक मुख्य प्राथमिकता रहेगा। इसके अलावा कमज़ोर वर्ग जो हैं, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध जन, इनके जो केसेस आते हैं इसको प्राथमिकता पे देखना, त्वरित गति से अनुसंधान करना और इन इनके विरुद्ध हो रहे अपराधों में कमी लाना, ये दो मेन प्राथमिकताएं हैं जो राजस्थान पुलिस की भी हैं और मुझे लगता है कि ये अभी यहाँ के लिए भी रेलेवेंट है। सर, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीचों में बसा ये धौलपुर है, तो चंबल बॉर्डर होने के साथ यहाँ क्राइम एरिया भी ज़्यादा रहता है, इसको लेकर क्या आपकी राय है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या संगठित अपराध एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी रहेगा। टीम वर्क से काम करने का इसमें आइडिया रहेगा। जो पुलिसकर्मी अच्छा काम करेंगे उन्हें प्रोत्साहित करके उन्हें और अच्छा कार्य करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा, और अगर कोई गलत करते हुए भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, और यही आम जन के लिए भी लागू होगा। जो अच्छे सिटीजन्स हैं, रहवासी हैं यहाँ के, जो पुलिस का सहयोग करते हैं उनका पुलिस पूरा सहयोग करेगी और उनके भरोसे पे खरे उतरने का कोशिश करेगी, और जो अपराधी तत्व हैं समाज में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यही जो प्रोसेस है इसी को फॉलो करके अपनी प्राथमिकताओं को अचीव करने का प्रयास किया जाएगा। सर ये बताना चाहते हो, मैं 2014 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ और अलवर में ट्रेनिंग की है, और भरतपुर में मैं लगभग 2 साल एएसपी रहा था और 2.5 साल मैं जोधपुर में डीसीपी ईस्ट की तरह कार्यरत रहा हूँ, और पिछले 1 साल से मैं सिरोही में एसपी था।